खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आए दिन बदमाशों के द्वारा लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बदमाशों ने कार शोरूम में अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है, लोग इधर उधर भागने लगे। दरअसल यह घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता विकास त्यागी अपने बेटे के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए कार खरीदने आए थे और उसी वक्त बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। इस घटना को लेकर डीसीपी विचित्र वीर ने जानकारी दी कि कार शोरूम पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की, गोली शोरूम में लगे शीशे पर लगी और वहां मौजूद करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं डीसीपी विचित्र वीर ने और क्या कहा। 7:15 से 7:30 के बीच में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फ्यूजन कार्स का जो शोरूम है, जो कि लग्जरी गाड़ियों की रीसेल में काम करते हैं, वहां पर फायरिंग हुई है। उसको जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस जितनी भी है वो तुरंत हरकत में आई और मौके पे पहुंचे। उसको कंफर्म होते ही यहां पे क्राइम टीम और बाकी जो हमारी स्पेशलाइज टीम डिस्ट्रिक्ट की है उनको बुलाया गया। अभी तक जो जानकारी अवेलेबल है उसमें कुछ एक राउंड फायर होने यहां पे कन्फर्म हुए हैं, साथ ही साथ जो शीशे टूटे हैं उनसे कुछ लोगों को इंजरी हुई है। अभी तक किसी को भी किसी तरह की फायर आर्म इंजरी रिपोर्ट नहीं करी गई है हॉस्पिटल से, और जितने भी इंजर्ड हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए हैं डॉक्टर्स ने। बाकी क्राइम टीम यहां पे मौके पे काम कर रही है और स्पेशलाइज टीम्स को इस पर केस पे आगे काम करने के लिए लगा दिया गया। कितने बुलेट के शेल अभी तक वो क्राइम टीम काम कर रही है उस पर, जब वो डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे। उस वाले एंगल पे भी काम करा जा रहा है, जिस बार डिटेल एक बार डिटेल कंफर्म होंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है नवीन वाली, जब कंफर्म हो जाएंगी डिटेल्स तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिली है वो तकरीबन 2 या 3 लोग थे, लेकिन अभी उसकी पुष्टि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। सर इंजरी कितने लोग इंजर्ड कितने लोग एक शख्स को लगे बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता भी हैं वो। अभी तक जो डॉक्टर्स ने बताया है उसमें से गनशॉट इंजरी किसी को नहीं है, जो यहाँ पे शीशे टूटे हैं उससे इंजरी बताई जा रही है लोगों को, और 4 लोग अभी तक हताहत बताए। सर कोई पहले थ्रेट कॉल भी मिली थी मालिक को, ऐसा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, उस पर हम इन्वेस्टिगेट। बताया जा रहा है कि एक गैंग से जुड़े 3 शूटर शोरूम में घुसे। एक शूटर ने लेटर शोरूम के एक कर्मचारी को दिया। इस लेटर में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। इस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी गैंग बताया जा रहा है, जो कि अब दिल्ली में एक्टिव हो गया है। ये घटना विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर हुआ है। इन गैंगस्टरों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। विदेश में बैठा इस गैंग का उभरता चेहरा और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव के नाम से यह रंगदारी मांगी गई है। हिमांशु भाव के खिलाफ 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस और 1.5 लाख का इनाम हरियाणा पुलिस ने रखा है। साथ ही रेड कॉर्नर नोटिस भी हिमांशु भाव के खिलाफ काफी पहले ही जारी किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि करीब 13 राउंड गोलियां चली। पुलिस को आशंका है कि इस घटना में किसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।